दोस्तों हमारे पास डी फ्रिज है, क्रीम बेल का है। जो इस फ्रिज में कंप्लेंट क्या आई, यह चल तो रहा है लेकिन कूलिंग नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी। इसके अंदर की साइड आप देख सकते हो, बिल्कुल भी कूलिंग नहीं है। देख सकते हो इस साइड भी कोई भी कूलिंग नहीं है। अब हम इसका पीछे का हिस्सा खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो पीछे की साइड की क्या स्थिति है। यह हमारी पूरी कैपिलरी पे बर्फ़ जमा हुआ है, देख सकते हो ऊपर से नीचे तक। और जो हमारी कैपिलरी है फिल्टर की साइड में, यहाँ पर भी मॉइस्चर आया हुआ है। तो दोस्तों फ्रिज को अब हम बंद कर देंगे और फिल्टर के आगे से कैपिलरी तोड़ेंगे। पहले सबसे पहले हमें देखना है कि फ़िल्टर चोक है कि कैपिलरी चोक है। हमने इसे तोड़ दिया और देख सकते हो फ़िल्टर में से बहुत ही आराम आराम से गैस निकल रही है। इसका मतलब इसका फ़िल्टर चोक है। अब दोस्तों हम इसका फ़िल्टर निकाल रहे हैं और अब इसमें जो है 134 नंबर गैस डलेगी। जो भी गैस डालने का प्रोसीजर है वो हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरीके से गैस डाली जाती है और कितनी बैक प्रेशर रखना है हमें गैस का। और 134 नंबर जो कि आइसक्रीम का फ्रिज है, क्रीम बेल का। दोस्तों ये हर जगह कहीं भी फंस जाता है क्रीम बेल का फ्रिज, तो हमें आज इसे अच्छे तरीके से सीखेंगे। दोस्तों अभी हमने फ्रिज चलाया है और फ्रिज चलाने के बाद अब हमें इसकी फ्लैशिंग करनी है। फ्लैशिंग किस तरीके से करी जा रही है आप देख सकते हो। अब फ़िलहाल हमारा फ्रिज जो है चालू हालत में है। दोस्तों इतने फ्लैशिंग हो रही है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन दबा दो, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। दोस्तों देख सकते हो फ्लैशिंग हो रही है। दोस्तों इसकी फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसमें फ़िल्टर चेंज करेंगे। देख सकते हो यह बड़ा ड्रायर फिल्टर है, बिल्कुल सेम टू सेम इसमें ही लगाना है। दोस्तों आपको अंदर से दिखा देते हैं कि ये किस तरीके का फ़िल्टर है, जो कि ड्रायर फिल्टर कहते हैं इसे। दोस्तों बड़ा फिल्टर आता है। अब हम इस फिल्टर को चेंज करेंगे, पहले हम तार निकाल लेंगे। तार निकालने के बाद जो हमने वेल्डिंग का प्रोसीजर है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। देख सकते हो किस तरीके से वेल्डिंग हो रही है और हमने वीडियो काट दिया है, पूरा वेल्डिंग हो गया है। देख सकते हो हमारा टाका बिल्कुल अच्छी तरीके से लग गया है और हमने शीशे से ज़रूर चेक कर लेना है एक बार। अब हमें इसकी कैपिलरी लगानी है फिल्टर के आगे। देख सकते हो कि हमें चेक करना है कि खुल रही है कि नहीं खुल रही। अगर नहीं खुल रही है तो दिक्कत हो जाएगी, हमारा फ्रिज दोबारे से चोक हो जाएगा, तो इस वजह से हमें चेक करना पड़ता है। देख सकते हो अब हमने इसमें लगा दी इसका भी। अब हम ब्रेजिंग स्टार्ट कर देंगे इसकी भी। देख सकते हो इसकी भी ब्रेजिंग होनी स्टार्ट हो गई है। दोस्तों हमारी ये भी ब्रेजिंग कंप्लीट हो गई है और जो हमारा मिरर से एक बार ज़रूर चेक कर लेना है कि टाका सही लगा है कि नहीं लगा है। अब हम इसमें गैस डालने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों पहले हम जहाँ को गैस डालते हैं फ्रिज की, इस तरीके से हमें इसके आगे कैपिलरी लगानी है। और अब हम इसकी भी ब्रेजिंग स्टार्ट कर देंगे। आप देख सकते हो ये टाका भी हमारा लग गया है। अब दोस्तों हम आते हैं इसे वैक्यूम करने की बारी। या तो कंप्रेसर की हेल्प से हम इसे वैक्यूम करेंगे या वैक्यूम पंप की हेल्प से हम इसे वैक्यूम करेंगे। तो हमने इसे अच्छी तरीके से वैक्यूम कर दिया है फ्रिज को और देख सकते हो हमने गैस डालना स्टार्ट कर दिया है। अब हम आपको बैक प्रेशर दिखाएंगे कितना बैक प्रेशर रखा। दोस्तों हमने इसमें 10 पाउंड बैक प्रेशर रखा। आपको भी 10 पाउंड ही बैक प्रेशर रखना है इसमें, 10 PCI भी कह सकते हैं। और देख सकते हो हमारी बर्फ़ स्टार्टिंग में आनी भी चालू हो गई है और जो हमारा जाल है, जो हमारा कंडेंसर है, अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब हम आपको इसमें कूलिंग दिखाते हैं कि कूलिंग किस तरीके की आई। दोस्तों अभी इसमें बर्फ़ तो आ नहीं पाई क्योंकि अभी अभी ठीक हुआ है, तो धीरे धीरे बर्फ़ आ जाएगी 2 दिन के बाद। अब आपको हम फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे कि फ्रिज ने किस तरीके से काम करा। देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें बर्फ़ आ चुकी है हमारी, एक भी कोना खाली नहीं है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो में मिलेगी।